मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूं प्रिय, तुम्हारी छाया का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। ये कहकर आपने मेरे हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है स्वामी। मैं आपका तेज सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे छाया की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन अब मैं आपसे और अधिक दूर नहीं रह सकती। आप शीघ्र ही मेरे पिताजी के पास जाइए, वो अवश्य ही इसका कोई उपाय निकालेंगे जिससे आपका ये भीषण तेज मेरे लिए समस्या ना बन सके और मैं फिर से आपकी प्रिय बनकर अपने सूर्य लोक लौट सकूं। मैं शीघ्र ही समाधान के साथ वापस आऊंगा। देव, मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए। देव, मैंने आपको अपना प्रियतम माना है, पति समझकर ही आपकी सेवा की है, आपको अपना सब कुछ सौंप दिया है। देव, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। देव, आपकी विरह के क्षण अब और शेष नहीं है देवी संज्ञा। ये विरह के क्षण शीघ्र ही समाप्त होंगे, ये मेरा वचन है। स्वामी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। देवी संज्ञा, आप ही कहिए ना स्वामी से, ऐसे मेरा तिरस्कार ना करें, अपना ले मुझे। मेरे मन की पीड़ा को आपसे अधिक और कौन समझेगा, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। बहन? कौन सी बड़ी बहन, कैसी बड़ी बहन? नाता जोड़कर मुझसे मेरा अधिकार छीनना चाहती हो? तुम केवल एक दासी हो, एक सेविका बनकर मेरी अनुपस्थिति में तुमने उनकी सेवा की है, परंतु अब मैं लौटने वाली हूँ। स्वामी का हृदय केवल मेरा है, जितना शीघ्र तुम अपना स्थान पहचान लो तुम्हारे लिए उतना ही उत्तम होगा। कार्य दासी के और स्वप्न महारानी के। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा। क्षमा मुझसे नहीं, अपने पिता से मांग। भूल तो मुझसे हुई है पुत्र। देवी छाया, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में और शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपको वो सारे अधिकार प्रदान करता हूं जो देवी संज्ञा को प्राप्त हैं। छाया मेरी बहन, मेरे अपमान भरे व्यवहार को भुलाना तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे। माता पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम अभी अभी तो मिले हो पुत्र, इतने शीघ्र कहाँ जाओगे? मैं तपस्या करना चाहता हूँ पिताजी, ताकि अपनी शक्तियों का प्रयोग मैं संसार के कल्याण के लिए कर पाऊँ, एक ऐसा पुत्र बन पाऊँ जिस पर आपको और मेरी दोनों माताओं को गर्व हो। हमारी माँ ने शनि देव के बारे में हमें ये सब क्यों नहीं बताया? वो तो सदैव हमें इनसे सावधान रहने के लिए कहती रही। माँ सही ही कहती थी,
सावधान तो अभी भी रहना होगा इनसे, नहीं तो कहीं हम भी भूत नंदी की तरह आहत हो गए तो। अस्थि में अचानक बहुत तीव्र पीड़ा हुई। अस्थि में पीड़ा तो शनि के प्रकोप के कारण होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरुड़ की पीड़ा का आभास तुझे हो रहा है? पता नहीं दीदी, मैं बस इतना जानती हूँ यदि हमारा संदेश सत्य है और हमारे पुत्र शनि ग्रह पर ही हैं तो हमें बिना भयभीत हुए शनि देव की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। यदि इसका आभास इतना दृढ़ है तो अवश्य ही मेरे पुत्र गरुड़ के साथ शनि देव के समक्ष होंगे। हमें उड़द दाल, काले तिल, नीलम, काली गाय और भैंस का दान किसी निर्धन ब्राह्मण को करना चाहिए। पूरे हृदय से उन्हें भोजन कराना चाहिए और श्वान को दही चावल भी खिलाने चाहिए। तू इतनी शांत कैसे है? तुझे तेरे पुत्र के लिए भय नहीं लग रहा है? यदि शनिदेव मेरे पुत्र को कोई कष्ट देते हैं तो वो उसके कर्मों का ही फल होगा। जब मुझे आभास हुआ था कि मेरा पुत्र अपना मार्ग भटककर सूर्यलोक के स्थान पर शनि ग्रह पर पहुंच गया है तो ये सत्य है कि मैं विचलित हुई थी, पर शनि के प्रकोप से स्वयं महादेव को भी वृक्ष के कोटर में छुपना पड़ा था। तो मेरा और आपका भयभीत होना स्वाभाविक ही है। पर जो हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि गरुड़ वहां तक पहुंचा है तो इसमें भी श्री विष्णु की ही इच्छा होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।